शराब की लत छुड़वाने की दवाइयाँ, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमारे देश में पुरुषों में, मेल्स, पुरुष जो है उनमें से करीब करीब 33% पुरुष एवरेज में शराब लेते हैं, जो उनके लिए बाद में बहुत धोखादायक साबित हो सकती है। वर्कर्स जो है, जो डेली वेजेस पे है, जो डेली काम करते हैं, हफ्ते भर के बाद मजदूरी मिलती है या डेली मजदूरी मिलती है, उनमें से 60-65% लोग शराब पीते हैं, ऐसे स्टडीज़ में कहा गया है या बोला गया है, पाया गया है। जो लोग ऊपर की कमाई बहुत ज़्यादा करते हैं, कोट अनकोट, जिनको ज़्यादा अपने कमाई से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अनैतिक, उनमें भी, और वो मैं बोलूँगा नहीं, नाम लूँगा नहीं, मगर आप समझ में होंगे मैं कौन से लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रमाण शराब का दिखाई देता है। उल्टा उनके घर के लोग तो ये बोलते हैं कि ये कमाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर घर में पैसे लाते नहीं। तो ऐसे लोगों का इलाज जो है वो करना चाहिए। उसके लिए हम डायसल्फिराम नाम की दवाई देते हैं। यूजली 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम पर डे इसका डोज है। और दवाई के ऊपर यदि आप शराब लेते हैं तो घबराहट, बेचैनी, धड़कन, चक्कर आना, उल्टी होना, ऐसा होता है। और फिर वो डर से आदमी दवा लेता ही नहीं है। नेल्ट्रेक्सॉन और अकैम्प्रोसेट, ये दवाइयाँ हैं जिससे क्रेविंग जो है, मतलब जो भूख लगती है शराब पीने की, तो वो भूख कम हो जाती है और रिलैप्स रेट जो है वो उनसे उनमें कम है। ये दो दवाइयाँ मोर और लेस, ये तीनों भी दवाई सही की है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये इलाज इसलिए करना है कि कम से कम 1 लाख लोग शराब के कारण हमारे देश में हर साल मरते हैं, कि जिनका प्योर कारण शराब ही है। ये जो दवाई मैंने बताया, नेल्ट्रोक्सॉन, डायसल्फिराम, अकैम्प्रोसेट, उसके साथ साथ टॉपिरामेट, ऑंडेंसिट्रॉन, फ्लॉक्सेटिन, ये दवाई भी काम में आती है, ऐसे अलग अलग अभ्यास में बताया गया है। जब कोई भी व्यक्ति दवा छोड़ता है तो उसको नींद नहीं आती, फिट आ सकती है, पसीना बहुत आता है, घबराहट होती है, भूख नहीं लगती है। तो जब हमारे पास में ऐसे पेशेंट लाते तो उनको दाखिल करते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। पहले 2-3 दिन बहुत ही तकलीफ होती है, एक बार 96 आवर्स निकल गए, बाद में तकलीफ बिल्कुल ही होती नहीं है। बाद में उनको काउंसलिंग करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, काउंसलिंग, ऐसा सब करके उनको अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। हमारे पास में रिलेटिव्स यदि साथ में रहने के लिए तैयार है तो अलग हॉस्पिटल है। रिलेटिव्स के अलावा अकेले पेशेंट को भर्ती करना है तो अलग हॉस्पिटल है, जहाँ पेशेंट को अकेले भर्ती करते हैं और उसका इलाज करते हैं, वो रिहैब सेंटर है। लोग महीना भर, 2-2 महीना पेशेंट को रखते हैं, जहाँ पेशेंट को सुबह से रात तक उनको बिजी रखते हैं, दवाइयाँ देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और बाद में वो शराब छोड़ देते हैं। यदि आपको हमारे रिहैब सेंटर में महीना 2 महीने दाखिल करना है तो नीचे नंबर दिए हुए, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है तो नाममात्र शुल्क 158 रुपये भर के आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी उसके ऊपर पेमेंट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर आपसे बात करेंगे और मैं कंसल्टेशन उनसे करके आपको दवाई भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है, कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन, ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है,
उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।